प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे किसानों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक अच्छी खबर सामने आई है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। दरअसल सरकार पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाले 6,000 रुपए को बढ़ाकर 8,000 रुपए करने की तैयारी में है। इस महीने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है। राशि बढ़ाने पर किसानों को हर साल मिलेंगी 4 किस्तें। यदि केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए करती है तो हर 3 माह के अंतराल में 2,000 रुपए की किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर हो सकती है। अभी तक सरकार किसानों को हर 4 माह में उनके खाते में 2,000 रुपए की किस्त दे रही थी, लेकिन राशि बढ़ने के बाद सरकार हर 3 माह में किसानों के खाते में 2,000 दे सकेगी। इस तरह किसानों को हर साल पीएम किसान सम्मान निधि के 8,000 रुपए मिल सकेंगे। जल्द लागू होगी आचार संहिता। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले कुछ ही दिनों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाने का फैसला लिया जाता है तो केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को पास करा के चुनाव खत्म होने के बाद इसका ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो देश के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिल सकता है। जुलाई में जारी हुई 14वीं किस्त। 27 जुलाई 2023 को राजस्थान के सीकर से पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर की, जिसके बाद अब किसान 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। आज यहां से देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, सीधे उनके बैंक खाते में जमा हुए हैं। मैं देश के लोगों को, राजस्थान के लोगों को और खासकर मेरे किसान भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। 15वीं किस्त के लिए आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता? जो नए किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं 15वीं किस्त के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड, किसान का मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण के लिए बैंक पासबुक की कॉपी, कृषि भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की जरूरत होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नई जानकारियों, कुछ नई अपडेट्स या किसी लाभकारी योजनाओं की जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। नमस्ते।